हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? दुआ करता हूँ अच्छे ही होगे। आज का ये जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ये अपनी अपाची 200 का बनाने जा रहा हूँ, इसका माइलेज कैसा है, कितना देती है, कितना नहीं देती है, क्योंकि अक्सर ये मेरे चैनल पे ये क्वेश्चन आता है, भाई आपकी अपाची कितना एवरेज दे रही है, क्या माइलेज दे रही है, आप टूर पर जा रहे हो, कुछ बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग ही बना दिया जाए, जो पता चल जाए हमें कितना एवरेज दे रही है अपनी हमारी बाइक अपाची। तो उससे पहले मैं अपनी दिखाऊंगा नीचे चल के, अपनी बाइक का पूरा पेट्रोल मैं पूरी खाली करूंगा, उसके बाद सिर्फ 1 लीटर उसमें डालूंगा, और 1 लीटर में कितना चलती है ये आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से। तो वीडियो पूरी देखें, कोई स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बताऊंगा एक एक चीज़, चलते हुए भी बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। चलो चलते हैं, मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ। जो बाइक में पेट्रोल है वो इतना है, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ पूरी खाली, पूरी A to Z पूरा पेट्रोल निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ। चलो खाली हो चुकी है, रिजर्व में निकला है इसका 2.5 लीटर पेट्रोल, इसका अपाची मेरी जो 200 है इसका रिजर्व भी 2.5 लीटर का है, क्योंकि मेरा ये ऑन में थी, तो ऑन के बाद इसमें निकला सिर्फ 1/2 लीटर, और फिर मैंने रिजर्व में लगाई, रिजर्व में निकला इसका 2 लीटर एक निकला, आधा लीटर ही निकला, टोटल 2.5 लीटर की इसकी रिजर्व है, काफ़ी अच्छा रिजर्व है। मुझे पता नहीं था इसका कि इतना बड़ा रिजर्व होगा। तो अब मैं इसे पूरी खाली कर दिया, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत स्टार्ट करके इसमें कितना है कितना नहीं है। ये हो गया खाली, अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और दिखाता भी हूँ मीटर पे। अभी आओ जा, कैमरा मेरा आ जाएगा, अब पहले मैं दिखाता हूँ ट्रिप मीटर पे 1.3 है, अब मैं इसे पूरा ट्रिप को जीरो कर रहा हूँ, जीरो कर दिया है, और सेकंड ट्रिप को भी मैं जीरो कर दे रहा हूँ, जीरो हो गई है, पूरी जीरो है। और फ्रेंड्स एक चीज और दिखाता हूँ, मैंने इसकी टॉप स्पीड अभी तक 133 किलोमीटर भगाई है, मतलब कि 133 पे मैं इसे भगा चुका हूँ, काफ़ी अच्छी भागी थी, बहुत स्मूथ पहुँच गई थी 133 तक। अब चलो एवरेज की बात, जीरो ट्रिप हो गई है दोनों चीज़ें, अब दिखाते हैं आगे पेट्रोल डाल के। पहले इसे स्टार्ट कर देता हूँ, क्या पता इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल हो या ना हो, स्टार्ट करके दिखाता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स बाइक पूरी खाली हो गई है, ये देखो मिसिंग मार रही है बार बार, स्टार्ट होके बंद हो रही है बार बार, पूरी खाली हो चुकी है, अब इसे हम पेट्रोल डालेंगे फिर आगे चलते हैं। चलो कौन सी दिन है, तो 1 लीटर डालते हैं, एक खाली हो गई है, एक तो बोतल खाली हो गई, एक बोतल और डालता हूँ, आधा लीटर की, आधा आधा लीटर की दो बोतल, यानी 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं इसमें पहले। चलो एक लीटर पूरा डल गया है, अब देखते हैं इसका 1 लीटर में कितनी देती है माइलेज, चलते हैं आगे। पूरी खाली हो गई थी, चौक लेके स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गई है, चलते हैं। जीरो ट्रिप,
जैसे कि देखा मैं 100 पे तक अपनी बाइक ले गया हूँ, 100-102 पे, और माइलेज टेस्ट दिखाऊंगा कैसा है ये। काफ़ी अच्छा है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब तक जहाँ तक बाइकें चलाई हैं अपनी, लॉन्ग राइड काफ़ी करी है मैंने भी, तो मुझे इसका माइलेज बहुत अच्छा लगा है अभी तक का। माइलेज के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी देखते हैं, आज पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, कितना देती है एक लीटर में ये, और इसका माइलेज भी चेक कराते हैं कितना है। काफ़ी अच्छी है क्योंकि विलेज हाईवे पे ये मेरा पूरा हाईवे समझो, नॉर्मल हाईवे दोनों ही है, इसमें लोकल भी आता है हाईवे भी आता है। देखते हैं कितना चलती है। मेरा अराउंड मेरा आइडिया ये कहता है ये 35 से लेके 45 के बीच में तो चलेगी चलेगी बाइक, देखते हैं। बाकी चलो तो अब चल रहे हैं अपना आगे। ट्रिप 0 पे थी हमारी, जैसे जैसे बाकी अभी चलते रहते हैं दिखाते हैं। फाइनली पेट्रोल ख़त्म हो गया है बाइक में, अब देखते हैं कितना किलोमीटर चली है, पूरी दिखाता हूँ अब उतर के चेक करके। चलो आई डोंट बिलीव दिस, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये एक लीटर में 45 किलोमीटर बाइक चल जाएगी। काफ़ी अच्छा माइलेज दिया है, जबकि इसमें मैंने रनिंग भी करी है, बाइक काफ़ी तेज़ चलाई है, 45 से लेके 105 तक की स्पीड में से मैंने भगाई है। काफ़ी अच्छा माइलेज दिया है इन्होंने मुझे, और हाईवे पे भी दिखा दी मैंने आपको, लोकल में भी दिखा दिए, सब माइलेज टेस्ट कराया है, काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी मैं बस क्या बताऊँ, माइलेज के नंबर में तो इसे 0.10 में से 10 मिले जाएंगे, बाकी कुछ इसका इशू अलग है बाइक का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा आपको कि ये लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताऊँगा। मतलब माइलेज में 200 cc काफ़ी अच्छी है, पिकअप में भी अच्छी है, थोड़ी बहुत ठीक है। चलो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है यार, मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, 45 किलोमीटर एक लीटर में बहुत होता है, काफ़ी अच्छा एवरेज दिया है मेरे को, काफ़ी अच्छा मिल गया है, मज़ा आ गया चला के। अगर भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, लाइक करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।